हेलो स्टूडेंट, केयर स्केल अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैमसंग की पीसीबी आई है हमारे पास। आप देखोगे ये सैमसंग की पीसीबी है। आज इसका हम आईपीएम चेक करेंगे कि आईपीएम इसका कैसे चेक होता है। तो समझते हैं इस पीसीबी के अंदर। तो सबसे पहले मीटर को हम डायोड मोड और बजर मोड पर लगाएंगे, जैसे आप देख सकते हो। तो ये हमने डायोड और बजर मोड पर लगा दिया है। मीटर की आप सेटिंग भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो इसकी जो तीन लेग हैं ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हैं, तो इस पे हमने ये पॉजिटिव प्रोब रखनी है। और इस पे जो बाकी ईबीडब्ल्यू है इस पे हमें ये मीटर की प्रोब लगानी है, ब्लैक वाली। तो इसमें देखोगे 350 के आसपास रीडिंग आ रही है। तो इन ईबीडब्ल्यू में सभी में लगभग सेम ही आनी चाहिए। तो इसमें आप देख रहे होगे मीटर के अंदर भी आप देखोगे, तो इसमें भी देखो 355 के आसपास रीडिंग आ रही है। इससे पहले हमने ये चेक करी थी, इसकी रीडिंग भी इतनी आ रही है और इससे अगली वाली जो है वो भी, उसमें भी रीडिंग इतनी आ रही है। तो इन्हीं में तीनों में सेम रीडिंग आ रही है, तो एक कंडीशन के हिसाब से ये ओके है। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये वाली जो पिन है पॉजिटिव की है, मगर इस पर हम फिर नेगेटिव प्रोब लगाएंगे। फिर हम इसको फिर UVW को चेक करेंगे। तो UVW को चेक करेंगे तो आप मीटर में थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ। तो अब इसमें चेक करेंगे तो हमें रीडिंग जो है पहले की तरह ही रीडिंग हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे आप पहले की तरह रीडिंग मिल रही है। उसके बाद अगली वाली पे भी हमें रीडिंग मिलनी चाहिए सेम। तो यहाँ भी सेम रीडिंग मिल रही है और इससे अगली वाली पे भी सेम रीडिंग आनी चाहिए। यानी कि यदि इसमें हम बोला जाए तो इसके जो जो इसके अंदर IGBT लगे हुए हैं उसका एमीटर और कलेक्टर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बूट कैपेसिटर के साथ भी हम चेक कर लेते हैं। तो बूट के साथ हमारी इसके साथ ये बीप करेगा, तो बूट के साथ ये एक बीप करेगा और इससे अगली वाली में डायोड की रीडिंग हमारे पास देखने को मिलेगी। यदि हम यहाँ से प्रोब उल्टा करेंगे तो यहाँ देखोगे तो डायोड की रीडिंग हमें इसमें देखो मीटर में, तो डायोड की रीडिंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद अगली वाली पे हम चेक करेंगे इसमें, तो यहाँ पे भी हमें इसमें जो रीडिंग है बीप है, साउंड आएगी बूट कैपेसिटर पर और इसमें डायोड की रीडिंग हमें मिलेगी। इससे अगला वाला है, ये भी बूट कैपेसिटर है, ये भी हमारा इसके साथ ही अटैच है। तो इसके साथ बीप की साउंड आएगी और अगली इस वाली के साथ डायोड की रीडिंग आएगी। तो जैसे मीटर में आप देखोगे डायोड की रीडिंग आ रही है। उसके बाद हम इसका ये देखेंगे कि 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी इस पर जा रही है नहीं जा रही है। तो यहाँ से ये 15 वोल्ट की सप्लाई जाती है, तो हम इसकी पिन पर चेक करेंगे। तो यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई जा रही है और इसमें कई जगह 15 वोल्ट की सप्लाई जाती है। इस पर भी 15 वोल्ट की सप्लाई जाएगी, यहाँ भी पावर 15 वोल्ट की सप्लाई जाएगी और इस पर भी 15 वोल्ट की सप्लाई जाएगी। इस IPM में 4 जगह 15 वोल्ट की सप्लाई जाती है। तो आप देख सकते हो 4 जगह हमें यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो इसका मतलब हमारी 15 वोल्ट प्रॉपर पहुँच रही है, क्योंकि प्रिंट हमारा ओके है। यदि हमारा कुछ शॉर्टिंग वगैरह होती तो वहाँ पर हमारे साथ ये बिप नहीं बोलती। तो हमारा ये IPM इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो बूट कैपेसिटर भी हमने इस पिनों से चेक कर लिए हैं और इधर से हमने इसका IGBT के एमीटर टू कलेक्टर चेक कर लिए हैं। बाकी कंडीशन इसकी बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है। लेकिन यदि इसका जो गेट है इसमें कोई दिक्कत होगी तब भी ये IGBT ख़राब माना जाएगा। यानी कि चलने के बाद ही ये प्रॉपर चेक हो पाएगा कि इसका जो गेट है वो प्रॉपर ओके है या नहीं है। यदि हम टेस्टिंग की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से ये हमारा ठीक माना जाएगा, क्योंकि ये हमारी पिन जो है ये आराम से जो भी हमारी IGBT थी ये चेक कर ली है। बूट कैपेसिटर हमने चेक कर लिया, 15 वोल्ट हमारी आ रही है, ये भी शॉर्ट नहीं है, तो ये भी हमारी ओके है। बाकी जो 6 सिग्नल है वो हमारे चलने के बाद ही आते हैं, तो वो चेक होते हैं। फिर एक फीडबैक इसमें से बनता है, वो भी हमारा माइक्रो कंट्रोलर को जाता है, तो वो चलने के बाद की सिस्टम है, क्योंकि चलने के बाद वो चीज़ें बनती हैं। तो हमने समझा आज सैमसंग की जो PCB है उसके अंदर IPM जो लगा हुआ है वो किस तरह टेस्ट किया जाता है, तो उसकी कंडीशन हम कैसे चेक करते हैं, तो आज हमने ये समझा है। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर दें। धन्यवाद।